हेलो फ्रेंड्स, आज हम बताएंगे आपको कैसे अपने घर में फर्टिलाइजर तैयार कर सकते हैं। ये हमने लिया है लौकी। लौकी का ये पानी है, आप देख रहे हैं, इसको दो दिन के लिए रख दिया है और जितना फर्टिलाइजर पुराना होगा उतना ही अच्छा होता है। और ये हमने ले लिया है चावल का माड़, चावल का धुला हुआ पानी है। और ये हमने ले लिया है, इसमें डालेंगे नमक। नमक कम से कम 100 ग्राम या 250 ग्राम नमक डालेंगे। इसमें निकालो बेटा, नमक निकालो। ये नमक ले लिया है। ये लौकी के छिकले से फर्टिलाइजर बनेगा, तो इसको पहले हम पीस लेंगे, थोड़ा कूट लेंगे, जिससे हमारा बहुत बढ़िया घोल बन के तैयार हो जाएगा। मिक्स कर लेंगे। हाँ जी, हमने लिया टाटा नमक, इसको इसमें हम मिक्स डाल देंगे। कम से कम 250 ग्राम नमक डालेंगे। इसके बाद इसमें हमने ये जो धान का है, ये इसमें डालो बेटा, डालो इसमें, ये डालो बाल्टी में। हाँ डालो। ये हमारा देखिए कितना अच्छा फर्टिलाइजर बनके तैयार हो गया है। ये देखिए चावल का, हाँ ये फर्टिलाइजर बनके तैयार हो गया है। अब इसको बोतल में भरेंगे। भरो बेटा बोतल। ये आप देख रहे हैं लौकी के छिकले में पोटेशियम, कैल्शियम और जिंक तथा विटामिन B1 बहुत पर्याप्त मात्रा में होता है, जो पौधे की ग्रोथ और फ्लावरिंग के लिए बहुत अच्छी होती है। इसको पेड़ के ऊपर हम स्प्रे के रूप में डाल सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं। करो करो बेटा स्प्रे। हाँ ये स्प्रे कर सकते हैं पेड़ में। इसमें हम पहले पेड़ के आसपास थाला टाइप से बना लेंगे। ये देखिए इसको हम पेड़ के आसपास ऐसे डाल देंगे। ये डालने का तरीका है। इसको ये हमने डाल दिया, फर्टिलाइजर है। अब इसको हम मिट्टी को बंद कर देंगे, मिट्टी को ऐसे हम ढक देंगे। फर्टिलाइजर डालने के बाद ये हम ढक दिया है, हम इसको हम डाल देंगे फर्टिलाइजर को। इस खाद को आप सभी पेड़ पौधों में डाल सकते हैं और इसमें इतनी बदबू होती है कि कोई कीड़ा नहीं लगता है। अगर आप लोगों को घर के अपने गार्डन में, किचन में कहीं भी पेड़ लगा हो उसमें आप डाल सकते हैं। अगर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें।